नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो पीछे की श्रृंखला में हमने बात की थी, वो हमारी बात चल रही थी कॉम्बिनेशन सर्किट्स के विषय में। और कॉम्बिनेशन सर्किट्स के विषय में मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा था अर्थमेटिक फंक्शन के आधार पर, और दूसरा हमने देखा था वो था हमारा डाटा ट्रांसमिशन के फंक्शन के आधार पर। तो अर्थमेटिक फंक्शन के आधार पर मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं उनको बांटा जाता है एडर, सबट्रैक्टर और कंपैरेटर में। तो हम एडर के विषय में पढ़ चुके हैं, हाफ एडर और फुल एडर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर के विषय में। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बचे हुए पार्ट हैं उनको हम जल्द से जल्द संपन्न करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर के विषय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ सबट्रैक्टर के विषय में। तो सबसे पहले हाफ सबट्रैक्टर होता क्या है, तो वो युक्ति जो दो बाइनरी संख्याओं का क्या करती है, घटाव करती है। दो बाइनरी संख्याओं को आपस में सबट्रैक्ट करके हमें आंसर प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है, हाफ सबट्रैक्टर कहलाती है। हाफ सबट्रैक्टर में आपके जो इनपुट होंगे वो क्या होंगे, दो होंगे। उन दो इनपुट में क्या करेगी, वो घटाव करके हमें क्या करेगी, आउटपुट जो है वो प्रदान करेगी। तो जब हम बात करें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम हम किस प्रकार इसका बना सकते हैं कि दो आपके इनपुट होंगे ए और ये बी इनपुट हो गया, और इन दो इनपुटों के माध्यम से वो आपको क्या करेगा, घटाओ करके आउटपुट के रूप में उनका डिफरेंस आपको प्रदान करेगा। अब डिफरेंस हो गया और यहीं पर आपकी एक चीज निकल करके आती है, वो आती है आपकी बोरो। अब बोरो देखो क्या होता है कि जब हमने एडर के विषय में पढ़ा था तो आपने देखा था कि जैसे हम 1+1 2 करते हैं तो 2 हमारा 10 हो रहा था। उस 10 को हम क्या लिखते, 1 लिखते और 0 लिखते थे, और 1 हमारा क्या चला जाता था, कैरी चला जाता था। तो यहां पर भी जब हम बात करते हैं कि दो बाइनरी संख्याओं को हमें घटाना है, तो आप सिंपल एक जैसा हम देखते हैं कि सिंपल जैसे हम किसी संख्या को घटाते हैं, तो जब हमें छोटी से बड़ी संख्या को घटाना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपल जो मैथ होती है उसमें एक हासिल ले लेते हैं पास वाले पड़ोसी से। तो वही काम हमें क्या करना होता है, बाइनरी सबट्रैक्टर के अंदर करना होता है। तो वो जो हासिल लेने का काम हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, बोरो कहलाता है। बोरो मतलब उधार ले रहे हो आप किसी से, उस उधार के द्वारा आप क्या कर रहे हो, उसको घटा रहे हो। तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया हाफ सबट्रैक्टर के विषय में। अब देखते हैं कि हाफ सबट्रैक्टर में जो हमारी ट्रूथ टेबल होती है, जो के मैप होता है, जो इसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम होता है, वो किस प्रकार हम जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि हमारे जो इनपुट है वो दो है, तो जो हमारी ट्रूथ टेबल है वो किस प्रकार की होगी। तो दो इनपुट के लिए वही हमारा सूत्र 2n, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2×2। तो हमारा जो ट्रूथ टेबल होगी वो कितने कॉलम के लिए बनेगी, 4 कॉलम के लिए। ये हमारे दो इनपुट हो गए ए बी, ये हमारा डिफरेंस हो गया, और यहां पर हम लेंगे बोरो को। तो 4 पॉसिबिलिटीज हमारी क्या क्या हो सकती है। पहली चीज हो सकती है कि ए भी मेरा 0 और बी भी मेरा 0 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो सकती है कि या तो हमारा ए 0 हो और बी हमारा 1 हो। तीसरी क्या हो सकती है कि या मेरा ए 1 हो और बी जो है वो 0 हो। और चौथी क्या हो सकती है कि दोनों हमारे क्या हो, 1 हो, दोनों ही हमारे 1-1 हो। तो अब आप सिंपल देखो कि जब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल के विषय में, तो यहां पर आप देखो कि जब आप 0 में से 0 को घटाओगे, 0 में से 0 हमारा गया, तो क्या बचेगा, डिफरेंस 0 बचेगा। तो यहां हम डिफरेंस में लिख दिया 0 और बोरो में लिख दिया 0। हमें कोई भी उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, 0 में से 0 गया तो हमारे सामने जो उत्तर आया वो क्या निकल करके आया था, 0 निकल करके आया। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरे कॉलम में जब आप देखोगे तो यहां आप देख रहे हो कि यहां ए 0 है और बी 1 है।
तो जब आपने जीरो में से एक घटाया, अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेना, जीरो में से जब आपने एक घटाया तो जीरो में से एक तो कभी घट नहीं सकता, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि जब आपने जीरो में से एक घटाया तो आपको एक हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल ली आपने तो वो आपका बन गया 10। हासिल लेने पर वो जो है आपकी संख्या क्या बन गई, 10 बन गई। 10 को हम सिंपल किससे डिनोट करते हैं, 2 से। 10 आपका 2 होता है, 2 में से जब 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो डिफरेंस आपका बचा 1 और बोरो आपने क्या लिया था, 1। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस और बोरो दोनों के अंदर आपका क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे में आप चलो कि तीसरे जब कॉलम में हम आते हैं तो ए में आपको दिख रहा होगा कि 1 है और बी के अंदर जो है वो हमारा 0 है। तो जब एक में से आप 0 घटाओगे तो सिंपल सी चीज है कि जो डिफरेंस है वो आपका 1 आएगा और जो बोरो है वो आपका 0 आएगा। हमें किसी प्रकार का उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसी तरह हम बात करें कि जो हमारा दोनों 1 1 है, जब एक में से एक गया तो आपका डिफरेंस हो गया 0 और बोरो आपको लेना पड़ा 0। तो ये हमारी क्या बन गई, हाफ सबट्रैक्टर की जो है वो ट्रूथ टेबल बन गई। अब वही काम हमें यहां पर भी करने हैं जो आपने हाफ एडर और फुल एडर के अंदर किए थे। सिंपल, जब आपको इसकी के मैप बनाना हो, समीकरण बनानी हो, तो मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपल क्या पकड़ करके चलना है कि जब आप डिफरेंस की एक्सप्रेशन बनाओगे तो डिफरेंस में आपको देख लेना है कि कहां पर आपका 1 1 आ रहा है, तो दूसरे में और यहां पर तीसरे में, यहां पर 1 1 आ रहा है। इसी तरीके से जब आपको बोरो की बनानी है तो आपका 1 सिर्फ एक कंडीशन में आ रहा है, जब आपका ए 0 है और बी आपका 1 है। तो इसकी एक्सप्रेशन आप किस प्रकार लिखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डिफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं, तो डिफरेंस के लिए जब हम लिख रहे हैं डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा कि 1 हमारा कब आ रहा है कि ए मेरा 0 है, तो ए 0 है तो 0 को हम ए बार से लिखते हैं, बी मेरा 1 है, ठीक है, ए बार बी प्लस। अब देखो दूसरा 1 हमारा, ये वाला 1 जो है वो कब आ रहा है, जब ए मेरा 1 है तो ए 1 हो गया और बी मेरा 0 है तो बी की बार, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारी क्या होगी, डिफरेंस की एक्सप्रेशन बन गई यहां पर। तो ये आप जब आप देख रहे हो कि a बार b प्लस ab बार, इस प्रकार का आपको जो है वो एक गेट याद आ रहा होगा, इस गेट की हमने आप इस प्रकार की एक्सप्रेशन देखी थी, वो गेट हमारा कौन सा होता है, एक्सोर गेट। तो इसको आप a बार b प्लस ab बार, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, a एक्सोर b लिख सकते हैं, क्योंकि a एक्सोर b की जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारी क्या होती है, a बार b प्लस ab की बार होती है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन दोबारा समझ लो, वही तरीका हमने अपनाया जो मैंने आपको हाफ एडर और फुल एडर में बताया। यहां पर आप देखो 1 कब आ रहा है, जब आपका पहली कंडीशन में a 0 है और b आपका 1 है, तो a 0 को मैंने आपको बताया कि हमेशा बार लगा करके लिखते हैं, a बार हो गया, b हमारा 1 था, b हो गया प्लस, यहां पर जब हमारा 1 आया तो वो किस केस में आया, जब a मेरा 1 था तो a मैंने सीधा लिखा, b मेरा 0 था तो b के ऊपर मैंने क्या लगा दी, बार लगा दी। तो ये जो एक्सप्रेशन होती है वो आपकी होती है एक्सोर गेट की। तो हमारा डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन यहां पर निकल करके आया वो क्या आ गया, ए एक्सोर बी आ गया। इसी तरीके से जब मैं बात करूं कैरी के विषय में, तो कैरी की एक्सप्रेशन अब आप स्वयं बना सकते हो, सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कैरी के केस में भी आपको वही तरीका, यहां पर 1 कब आ रहा है, देखो जब हमारा ए तो है वो 0 है और बी मेरा 1 है, तो 0 के लिए वही चीज आपको पता है कि क्या लिखते हैं हम, ए बार लिखेंगे और बी मेरा 1 है तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, बी लिख दूंगा। तो कैरी के लिए हमारी एक्सप्रेशन क्या हो गई, एक हाफ सबट्रैक्टर के लिए, दो बाइनरी संख्याओं को घटाने वाले सबट्रैक्टर के लिए कैरी की हमारी एक्सप्रेशन हो गई ए बार बी, और डिफरेंस के लिए हो गई हमारी ए एक्सोर बी। तो अब यहां पर दो ही इनपुट के हमारा जो टर्मिनल है, तो जब दो इनपुट है तो के मैप आपको बनाना है, तो के मैप मैं बता चुका हूं किस प्रकार बनेगा, वही चीज ए बी आप इस तरीके से लिख लोगे, यहां ए लिख लो, यहां बी लिख लो, यूं कर दो 0 1 0 1। तो सबसे पहले 1 आपका कब आ रहा है, किस केस में आ रहा है, डिफरेंस के लिए जब आप के मैप बनाओगे तो 1 आपका आ रहा है जब ए आपका 0 है और बी आपका 1 है, तो यहां पर 1 लिख दो। और इसी तरीके से दूसरा 1 जब आपका आ रहा है तब यहां पर आपका 1 है और बी आपका 0 है, तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, के मैप बन जाएगा। इसी तरीके से आप कैरी का के मैप बना सकते हो।
तो हाफ सब्ट्रैक्टर में के मैप की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपल सा जो है वो सर्किट है इसका, कोई किसी प्रकार की ग्रुपिंग नहीं हो रही यहां पर। तो हमने देख लिया कि हाफ सब्ट्रैक्टर किस प्रकार जो है वो दो बाइनरी संख्याओं को घटाएगा, किस प्रकार की उसकी समीकरण होगी, किस प्रकार जो है वो आप उसका के मैप जो है वो डिजाइन कर सकते हो। तो उसी को आधार बना करके जब आपसे पूछ लिया जाए लॉजिक सर्किट डायग्राम की, तो लॉजिक सर्किट डायग्राम किस प्रकार हम बना सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम सबसे पहले हम बात करें डिफरेंस के लिए, तो डिफरेंस के लिए ए एक्सोर बी आ रहा है, तो सिंपल आप एक ए ले लो यहां पर और एक बी ले लो, ए और बी हो गया हमारा। इनको हमें किससे जोड़ देना है, एक्सोर गेट से जोड़ देना है, तो ये हमने इनको जोड़ दिया एक्सोर गेट से। यहां इन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन करके आएगा हमारे सामने, जो आएगा वो डिफरेंस निकाल करके आएगा ए बार बी प्लस ए बी की बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंस का लॉजिक सर्किट डायग्राम। सिंपल हमने क्या कर दिया, एक एक्सोर गेट लगा करके इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो क्रिएट कर दिया। अब ये तो हो गया डिफरेंस के लिए। जब हमें बनाना होगा कैरी के विषय में, तो कैरी के लिए हमारा जो सिंपल था वो क्या था, जो एक्सप्रेशन निकल करके आई थी वो आपको पता है, हमारी एक्सप्रेशन क्या आई थी, ए बार बी आई थी, ए बार बी आई थी। तो ए का उल्टा ए बार होता है, तो ए बार करने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, हम क्या लगा देंगे, सिंपल एक नॉट गेट, नॉट गेट लगा दो। तो जब यहां से हमने इसको ए दिया, तो यहां जब यहां तक पहुंचेगा वो ए, तो वो ए बार हो गया, यहां से हमें ए बार मिल गया, और ये हम यहां से उठा लेते हैं सीधा बी, ए बार और बी मिल गए हमें। अब आपको करवाना है इन दोनों का मल्टीपल, गुणा करवाना है हमें, तो गुणा करवाना है, तो यहां पर आप कौन सा जो गेट जोड़ दोगे गुणा के लिए, एंड गेट, ये हमने एंड गेट जोड़ दिया, तो हमारे पास में यहां पर सामने जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बी बोरो के लिए। तो दोनों के लिए हमने देख लिया कि लॉजिक सर्किट डायग्राम किस प्रकार होगा, कि जब आपको डिफरेंस के लिए बनाना है तो डिफरेंस के लिए आप सिंपल एक एक्सोर गेट जोड़ दिया हमने, जब हमें बनाना है किसके लिए, जो हमारा है बोरो, उसके लिए, तो बोरो के लिए हमें सबसे पहले तो ए का नेगेटिव प्राप्त करना होगा, ए बार, तो ए बार के लिए हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, एक नोट गेट, और उसके बाद में सीधा यहां से उठा करके हमने इसको बी दे दिया, बाद में दोनों का मल्टीपल कराने के लिए यहां पर एक एंड गेट। तो जब आपका ए बार और बी यहां पर पहुंचा, तो दोनों का मल्टीपल होकर के ए बार बी हमें यहां बोरो के लिए जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ सब्ट्रैक्टर को अब हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि जब हमें दो से ज्यादा बाइनरी संख्याओं का क्या करवाना हो, भाग सॉरी जो सब्ट्रैक्ट करवाना हो, उनको घटाना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में जो हमारा यूज होता है वो होता है आपका फुल सब्ट्रैक्टर। तो फुल सब्ट्रैक्टर सिंपल के समझ के चलो कि जो तीन बाइनरी संख्याओं को घटा करके हमें आउटपुट प्रदान करता है, कितनी बाइनरी संख्याओं को, तीन बाइनरी संख्याओं को घटा करके जो हमें आउटपुट प्रदान करता है वो कहलाता है फुल सब्ट्रैक्टर। तो फुल सब्ट्रैक्टर में आपकी जो इनपुट होंगे वो होंगे तीन, और आउटपुट आपके वही होंगे, एक डिफरेंस होगा और एक हमारा बोरो होगा, एक हासिल का होगा और एक हमारा दोनों का अंतर होगा। सिंपल वही डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले जब हम बनाएंगे तो वो किस प्रकार बनेगा, ये मेरा कोई ए, ये बी और ये सी, तीन इनपुट हो गए, यहां पर मेरा आउटपुट क्या होगा, डिफरेंस और ये एक बोरो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम हो गया, ए बी सी तीन इनपुट है, और उन इनपुट के जो आउटपुट है वो किस रूप में प्राप्त होगा, डिफरेंस और बोरो के रूप में। तो अब यहां पर हमारे पास में जो संख्याएं आ गई बाइनरी की वो आ गई तीन। तो तीन संख्याओं के लिए आपको मिनिमम जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो वही 2 की पावर n, उससे ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब हमें 8 कॉलम की क्या बनानी पड़ेगी, एक ट्रूथ टेबल बनानी पड़ेगी। वो 8 पॉसिबिलिटीज जो है वो इन तीन के अंदर हो सकती है, कि या तो तीनों आपके 0 हो सकते हैं, या कोई ए एक बार 1 हो सकता है, बी एक बार 1 हो सकता है, सी एक बार 1 हो सकता है, तीनों 1 हो सकते हैं, या उनमें से एक समय में कोई 2 1 हो सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो आपकी किस भी अंदर आएगी, ट्रूथ
ट्रूथ टेबल के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ट्रूथ टेबल के विषय में। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमने 8 रो की क्या बना ली, एक सेल बना ली। अब हम क्या करेंगे इसमें, वही तरीका, 4 0 0 0 0 0, फिर 4 1, फिर दूसरे के अंदर जो दूसरी रो है हमारी उसमें 2 0 2 1 2 0 2 1, और तीसरे के अंदर हमारा क्या आएगा, सी के अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब देखो यहां पर सारी पॉसिबिलिटीज हमने ले ली है कि या तो आपके तीनों क्या हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, 0 हो सकते हैं, या हमारा सी एक बार 1 हो सकता है, या हमारा बी एक बार 1 हो सकता है, या हमारा ए एक बार 1 हो सकता है बाकी दोनों 0, या हमारा बी और सी एक बार 1 1 हो सकता है, ए 0 हो सकता है, या हमारा ए और सी एक बार 1 1 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या मेरा ए और बी जो है वो 1 1 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, या मेरे तीनों क्या हो सकते हैं, 1 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो अब घटाते हुए चलते हैं, सिंपल वही वाला काम करना है हमें। सबसे पहले 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, तो डिफरेंस आपका क्या आ गया, 0। डिफरेंस मैं यहां क्या लिख देता हूं, 0, और बोरो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड के अंदर, 0 में से 0 गया 0, 0 में से फिर 1 घटाना है आपको, वही वाला काम हो गया जो हमने पहले करके आए हैं। क्या काम हो गया कि 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से जब आप 1 घटाओगे तो वही काम करोगे आप, क्या करोगे, 1 आपको उधार लेनी पड़ेगी, उधार लोगे तो 1 0 हो गया, 1 0 होता है 2, 2 में से 1 गया 1, तो डिफरेंस आपका क्या आ गया, यहां लिखोगे 1 और जो बोरो आपने लिया था वो क्या लिया था, 1। वही काम हो गया जो हमने किया था हाफ एडर के अंदर। अब आ जाओ तीसरे के अंदर, तीसरे में 0 में से आपका गया 1, तो वही काम हो गया, 0 में से जब 1 जा रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा, उधार लोगे आप तो आपका यहां हो गया 2, 2 में से गया 1, 1 बचा, 1 में से 0 गया 1 बचा, तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया यहां पर, 1, और एक हमने क्या लिया था, उधार लिया था, तो बोरो भी हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तीसरे के अंदर आ जाओ, सॉरी चौथे के अंदर हमारा, चौथे में आ जाओ, तो चौथे में देखो वही काम फिर हो रहा है, 0 में से आपको 1 घटाना है तो 1 उधार लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, जब उधार लेकर के आए आप तो ये हो गया 1 0, मतलब 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया तो यहां क्या बचेगा, 0, स्वाभाविक सी बात है यहां पर क्या बचा, 0 बचा, और यहां पर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जब आपने 1 0 में से 1 घटाया तो आपके सामने बचा था 1, फिर 1 में से आपने 1 घटा दिया तो डिफरेंस तो 0 बचा, लेकिन एक उधार ली थी वो तो आपको लिखनी पड़ेगी यहां पर, तो वो मैंने यहां पर नोट कर दी और यहां मेरा क्या आया, 0 आया। तीसरी कंडीशन देखो, 1 में से 0 गया 1, फिर आपका 1 में से 0 गया 1, तो डिफरेंस मेरा क्या आ गया, 1, और मुझे उधार लेनी पड़ी थी, नहीं लेनी पड़ी तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। फिर आ जाओ छठे में, छठे में 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो यहां भी मेरा 0 और यहां पर भी मेरा 0 आएगा। सातवें के अंदर क्या है, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 0 गया। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट में आपका 1 में से 1 गया, सबसे पहले A में से B घटाया, 1 में से 1 गया 0, B में से आप C घटाओगे, 0 में से 1 घटाओगे तो वही काम फिर हो गया, 0 में से 1 घटाएंगे तो एक उधार लेना पड़ेगा, उधार लेते हो तो यहां लिखते हो, और 1 0 में से 1 जाता है तो यहां पर आपका क्या बचता है, 1 बचता है। तो जब हमने एक 8 कॉलम जो हमारी टेबल है ट्रूथ टेबल उसको बनाया तो वो किस प्रकार बन गई, वो आपके सामने है कि सबसे पहले दोबारा समझ लो, 0 0 0 में से 0 गया तो 0 0 आपका क्या बचा, डिफरेंस, और 0 बचा आपका उधार। फिर हमने 0 में से 0 घटाया तो 0 आया, 0 में से 1 घटाया तो 0 में से 1 नहीं जाता तो एक हमने उधार ली, वो उधार यहां लिख दी, ये हो गया 1 0, 1 0 में से 1 गया तो 1 बच गया हमारे पास में डिफरेंस। तीसरे में आए 0 में से 1 फिर घटाना है तो 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 गया तो 1, और फिर 1 में से 0 गया तो हमारा 1 बचा, तो यहां 1 लिखा और एक हमने उधार ली थी। फिर आए हम चौथे के अंदर 0 1, वही काम हो गया, यहां से 1 घटाया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 आया यहां पर, और यहां पर मेरा 1 उधार ली थी मैंने, ये वाला फिर सिंपल है, 1 में से 0 0, तो दोनों बार 0 घटा दी तो 1 बचा, फिर 1 में से 0 गई आपकी 1 बचा, 1 में से 1 गई 0 हो गया।
फिर सातवें में वन में से वन गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, तो फिर हमने जीरो लिख दिया। और आठवें में एक में से एक गया जीरो, जीरो में से एक जाएगा, तो वही उधार वाला काम, एक उधार ली और एक हमने डिफरेंस आ गया यहां पर। ठीक है, तो अब आपको क्या बनाना है यहां पर, के मैप बनाना है और उसकी एक्सप्रेशन लिखनी है। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए और के मैप बनाने के लिए क्या काम करना होता है वो मैं बता चुका हूं आपको, वही सारा काम यहां पर भी इसके अंदर भी हम उसको करेंगे। वन वन वाले आपको पकड़ लेने हैं, ये वन यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, चार बार वन आ रहा है। वो चार बार किस किस केस में आ रहा है आपको उसको एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है। इसी तरीके से बोरो में भी चार बार आ रहा है, वो चार बार किस किस केस में आ रहा है वो आपको यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन के विषय में। तो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे सबसे पहले डिफरेंस के लिए, तो वो किस प्रकार बनती है वो मैं वैसे आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से और देख लेते हैं। डिफरेंस के लिए जब आप एक्सप्रेशन बनाओगे तो आपको सबसे पहले पकड़ना है, सबसे पहले वन कब आ रहा है, देखो यहां पर आ रहा है हमारा सेकंड के अंदर। डिफरेंस के लिए वन कब आ रहा है, जब ए मेरा जीरो है, बी मेरा जीरो है और सी मेरा वन है। तो जब जीरो होता है तो उसको मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, ए बार से, बी भी मेरा जीरो है तो बी बार से, सी मेरा वन है तो उसको मैंने लिख दिया सी से। अब दोबारा वन कब आ रहा है देखो, उससे नीचे वाले में यहां कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा थर्ड जो हमारा कॉलम है उसके अंदर देखो कि जब ए मेरा जीरो है, बी मेरा वन है और सी मेरा क्या है, जीरो है, तब हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। फिर हमारे नीचे जो हमारी आ गई वन टू थ्री फोर फाइव, जो पांचवा कॉलम है उसमें हमारा वन आ रहा है डिफरेंस में, रो है जो हमारी इसमें डिफरेंस वाली में, इधर आ जाओ आप। तो ए मेरा वन है, बी मेरा जीरो है और सी मेरा जीरो है। तो ए मेरा जब वन है तो उसको मैंने आपको बताया किससे लिखते हैं हम, ए वो हो गया बी बार और उसके बाद में हो गया सी बार प्लस। चौथा हमारा कब आ रहा है, लास्ट ही लास्ट में जब हम देख रहे हैं, तो लास्ट में जब हम आते हैं तो लास्ट आपका ये खड़े वाला कॉलम में, यहां आ जाओ लास्ट और इधर रो में चलो, तो ये हमारा वन वन वन, तीनों हमारे वन वन है, उस केस में हमारा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ए बी और सी। तो ये हमारी क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो सिंपल, जब आप इसको हल करते जाओगे तो लास्ट में आपके सामने जो कंक्लूजन निकल करके आएगा, निष्कर्ष निकल के आएगा, वो ए बार बी बार सी का आएगा। आपको तो इसको पकड़ना है। हाफ सबट्रैक्टर के लिए जो आपके सामने डिफरेंस के लिए जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, जब आप इसको पूरा हल कर लेते हो तो। अब हम बात करेंगे किसके विषय में, के मैप के विषय में। तो जब आपको के मैप बनाना है तो वो किस प्रकार बनाओगे, तो वही सारा काम हमको करना है यहां पर। जब हमारा जो है वो थ्री इनपुट का है, तो थ्री इनपुट के लिए हमें जो बॉक्स चाहिए होंगे वो कितने चाहिए होंगे, आठ चाहिए होंगे, 2 की पावर n से जब आप ज्ञात करोगे तो आठ के लिए हम एक बना लेते हैं यहां पर। दो चार छह और आठ, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा था उसमें हाफ जो हमारे एडर था, फुल एडर था, उनके केस में जो हमने पढ़ा था वही काम सारा हमने यहां करना है। यहां ए लिख दो, यहां बी सी लिख दो। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये जीरो हो सकता है और ये वन हो सकता है, ठीक है। और बी और सी में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये दोनों जीरो हो सकते हैं, या बी जीरो हो सकता है सी एक हो सकता है, या दोनों एक हो सकते हैं, या हमारा जो बी है वो एक हो सकता है और सी हमारा जीरो हो सकता है। तो इतनी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, ये हमारी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अब देखो कि जब के मैप बनाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले यहां एक देखो कब आ रहा है, एक देखो कब आ रहा है, एक यहां पर आ रहा है, किस केस में आ रहा है, जब ए आपका जीरो है, बी आपका जीरो है और सी आपका वन है। अब यहां पर आ जाओ, ऐसी कंडीशन कहां पर है कि ए आपका जीरो, बी आपका जीरो और सी आपका वन हो। तो ये कंडीशन आपको देखो, यहां से हम चले इस रो में तो ये मेरा यहां पहुंच गया जीरो, यहां पर मुझे मिला बी जीरो और सी मेरा वन, तो यही तो हमें चाहिए, ए जीरो बी जीरो और सी वन चाहिए। तो यहां पर जहां हम पहुंचे वहां पर हमें क्या लिख देना है, वन लिख देना है। सबसे पहले यहां हमने क्या लिख दिया, वन लिख दिया।
अब आ जाओ, दूसरा वन हमें कब मिल रहा है, जब ए मेरा जीरो, बी मेरा एक और सी मेरा जीरो। तो ये वाली संभावना कहां पर हो रही है, देखो ए चाहिए जीरो, बी चाहिए वन और सी चाहिए जीरो, तो ये मिल रही है हमें इस रो के अंदर। ए यहां से मेरा हो गया जीरो, बी मेरा हो गया वन और सी मेरा हो गया जीरो। तो यहां पर हमें क्या लिख देना है, सिंपल वही काम करना है, वन लिख देना है। ठीक है, अब आ जाओ कि थर्ड वाला वन हमें कब मिल रहा है, जब ए मेरा वन है, बी मेरा जीरो है और सी मेरा क्या है, जीरो है। ए वन, बी जीरो, सी जीरो, ये वाली पॉसिबिलिटी कहाँ मिल रही है, देखो ये हो गया हमारा ए वन, यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला, यहां पर क्या आ रहा है, ए वन, बी जीरो और सी जीरो। तो यहां पर मुझे क्या लिख देना है, इसके अंदर वन लिख देना है। तो यहां हमने लिख दिया वन। अब चौथा वन कब आ रहा है हमारा, जब तीनों ही क्या है, वन 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 है, और तीनों वन 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 किस केस में होंगे, यहां पर होंगे। आप देख रहे हो कि बी और सी भी आपका वन है और ए जो है वो भी आपका वन है। तो ये हमारा क्या बन गया, के मैप बन गया, किसके लिए, फुल सबट्रैक्टर के लिए, डिफरेंस के लिए के मैप है ये। ठीक है, जो दोनों का अंतर है, घटाव है, उसके लिए के मैप बन गया। तो यहां पर वही चीज कि किसी भी प्रकार की ग्रुपिंग नहीं हो रही। ग्रुपिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहां पर भी यदि हमारा कोई एक वन और होता तो ये दो ग्रुप बनते, फिर इधर का ग्रुप बनता, फिर इधर का ग्रुप बनता, तो उसके लिए जो है हम अलग अलग फिर लिखते हैं उसको। लेकिन यहां पर किसी प्रकार की ग्रुपिंग नहीं हो रही, तो ग्रुपिंग नहीं हो रही तो सिंपल हमारा यही वाला के मैप जो है वो रहेगा। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार जो है वो आपको फुल सबट्रैक्टर के लिए, थ्री इनपुट के लिए जो है हम के मैप बना सकते हैं। तो के मैप बनाने के लिए हमेशा जो हमने प्रोसेस फॉलो करनी है वो यही वाली करनी है कि वन वन वाले पकड़ते जाओ, वन वन में यहां से देखते जाओ किस में जीरो है किस में जीरो है, और वो मान यहां पर देख के और यहां पर देख के उसमें जो है वो भर देना है आपको। तो ये हो गया आपका किसके लिए, फुल सबट्रैक्टर के लिए, डिफरेंस का। अब बात करेंगे हम फुल सबट्रैक्टर के लिए, जब आपसे बात करी जाए जो के मैप है बोरो के लिए वो किस प्रकार का होगा, तो वही वाला काम आपको यहां पर भी करना है। जब बोरो के लिए बनाना है तो वही चीजें सारी करते हुए चलो। सबसे पहले बॉक्स ये बना लिया हमने, बॉक्स ये दो चार छह और आठ। ठीक है, यहां पर ए लिख दो, यहां पर बी और सी लिख दो, सारे काम वही कर दो, जीरो जीरो, जीरो वन, वन वन या वन जीरो, ये हो सकता है जीरो या वन हो सकता है। ठीक है, अब वही काम पकड़ के काम से चलना है आपको, जहां पर वन आ रहा है सबसे पहले वन देखो कहां पर आ रहा है, सेकंड कॉलम में यहां पर आ रहा है। कब आ रहा है, जब ए आपका जीरो है, बी आपका जीरो है, सी आपका कब है, वन है। तो यहां पर आप देखो कि कहां पर आपका ए जीरो है, बी जीरो है और सी वन है, तो ये रहा मेरा ए जीरो। तो सिंपल सीधी सी बात है कि कहीं इधर ही आएगा, ए मेरा जीरो चाहिए, बी मुझे जीरो चाहिए और सी वन चाहिए, तो यहां पर आ गया हमारा, यहां पर बी जीरो है और सी जो है वो आपका वन है। तो यहां पर क्या काम कर देना है, हमने वन लिख देना है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा वन कब आ रहा है, देखो जब ए हमारा जीरो है, बी हमारा वन है और सी हमारा जीरो है। ए हमारा जीरो, बी हमारा वन और सी हमारा क्या है, जीरो, मतलब यहां पर, तो यहां पर वन लिख दिया मैंने। अब तीसरा वन कब आ रहा है, जब ए मेरा जीरो है, बी मेरा वन है और सी मेरा वन है, तो इसी में आएगा, यहां पर बी और सी आपके वन है और ए आपका जीरो है, तो यहां पर वन लिख दो। अब चौथा वन आपका कब आ रहा है, जब तीनों ही क्या आपके वन 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 है, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, वन लिख दोगे। अब देखो ये बन गया हमारा के मैप, लेकिन यहां पर क्या ग्रुपिंग हो रही है, जरूर हो रही है, यहां पर तो ग्रुपिंग हो रही है। तो ये वाला एक ग्रुप बन गया, फिर ये वाला एक ग्रुप बन गया, और फिर ये वाला, ये बीच में लाइन आ गई, ये वाला आपको वैसे बता देता हूं पॉइंटर से, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप आपका ये वाला हो गया। तो अब यहां से जब आप इसकी एक्सप्रेशन लिख दोगे तो वो किस प्रकार की निकल करके आएगी, देखो कि सबसे पहले हम बात करेंगे इस ग्रुप के विषय में। तो इस ग्रुप में ए तो आपका है जीरो, ठीक है, ए तो हमारा जीरो है इस ग्रुप के लिए, ए तो जीरो है, तो जीरो को आपको किससे लिखना होता है, ए बार से लिखना होता है, ए बार हो गया।
अब यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर आ जाओ, बी आपका यहां जीरो है और यहां पर वन है, लेकिन सी हमारा यहां पर भी वन है और यहां पर भी वन है, तो दोनों में कॉमन जो है वो वन है, मतलब सी है। तो यहां पर हमें इस ग्रुप के लिए किसको लेना है, सी को लेना है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, ए बार सी हो गया हमारा, ठीक है। अब चलो अगले ग्रुप में, ये हमारे इस ग्रुप में, इस ग्रुप में देखो फिर से आपका ए तो जीरो है, जीरो है तो जीरो को तो ये तो वही फॉर्मूला ए बार लिख दो। अब फिर से आपको कॉमन ढूंढना है, दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है, देखो यहां सी आपका वन है और यहां जीरो है, तो सी तो कॉमन नहीं है, बी वन है और बी यहां भी वन है, तो यहां पर आपको क्या लेना है, बी को लेना है, तो ए बार आ गया बी प्लस। अब आ जाओ जो ये वाला जो हमारा ग्रुप है, इसके अंदर देखो कि ए तो हो गया आपका यहां पर, और बी और सी जो है वो आपके यहां पर वन वन है, तो आपको यहां पर जो इस ग्रुप के लिए जब हम बात करें तो वो लेना है हमने बी और सी वन वन, तो ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी और सी लेने हैं आपको। तो यहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन होगी वो किस प्रकार की होगी कि बी सी, तो ये हो गया हमारा के मैप के थ्रू जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गई, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, किसके लिए आ गई ये हमारी जो एक्सप्रेशन है वो आ गई आपके बोरो के लिए। तो इस प्रकार हमने देख लिया जो कर्नो मैप है वो क्या हो गया, के मैप जिसको बोला जाता है, या फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, कर्नो मैप, ठीक है। तो के मैप हमने बनाना सीख लिया किस प्रकार बनाएंगे, और जो हाफ एड सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर है उनके विषय में भी हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं लॉजिक सर्किट डायग्राम किस प्रकार का होगा आपका डिफरेंस और बोरो इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंस के लिए, तो डिफरेंस के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन थी वो थी ए एक्जोर बी एक्जोर सी, ये लाना हमने। तो सबसे पहले एक एक्जोर गेट चाहिए होगा हमें, यहां पर आप इसको दे दो ए और बी दे दो, ए और बी दे दिया आपने, यहां पर आपके सामने आ गया निकल करके आउटपुट ए एक्जोर बी, ठीक है। अब इस ए एक्जोर बी के आगे यहां पर एक एक्जोर गेट और लगा दो, ये लो, तो ए एक्जोर बी दे दिया हमने इनपुट में, और यहीं से उठा करके एक इसको क्या दे दो, सी इनपुट और ले लो और यहां से ही जोड़ दो। तो अब जो आपके सामने आगे जो आउटपुट आएगा वो आएगा डिफरेंस के लिए, क्या आ जाएगा, ए एक्जोर बी एक्जोर सी, ठीक है। ये आ गया आपके सामने जो है वो डिफरेंस के लिए लॉजिक सर्किट और डायग्राम है वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोरो के लिए, तो बोरो के केस में हमने क्या करना है कि जो हमारी एक्सप्रेशन आई है वो निकल करके आई है ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये आउटपुट हमें चाहिए। तो बार के लिए आपको पता है कौन सा गेट लगाएंगे हम, वहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग में नोट गेट लगाना पड़ेगा, तो नोट गेट लगा देंगे। तो सिंपल आप मान के चलो कि कोई ए बी सी हमने ले लिए, ये मैंने कोई ए ले लिया, यहां पर नोट गेट लगा दिया, ए बार हो गया, फिर हमने ले लिया बी, फिर हमने ले लिया सी, ठीक है। तो अब देखो कि यहां पर हम क्या लगा देंगे, एक एंड गेट लगा देते हैं सबसे पहले इसके साथ में। तो यहां पर आपके सामने जो आउटपुट आएगा वो आ गया ए बार बी, ये निकल करके आ गया, यहां से आप इसको बी दे दो, ये हमारा ए है ये बी है, तो ए बार यहां से निकला आपका, ए बार यहां गया, यहां से आपका बी गया, आउटपुट आ गया ए बार बी। अब यहां पर ये भी एक एंड गेट और जोड़ दो, ये लो, और एक गेट एंड गेट जो है वो यहां पर जोड़ दो, ए बार बी तो हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, बी सी चाहिए, तो बी सी के लिए आपको पता है यहां से इसको बी दे दो और यहां से उठा करके इसको क्या दे दो, सी दे दो, तो ये आपको बी और सी का क्या दे देगा, गुणा प्रदान कर देगा। अब तीसरा बच गया हमारे पास में, तीसरे में हमें क्या चाहिए, ए बार और सी चाहिए, तो ए बार चाहिए तो वही काम कर दो कि यहां से ए बार ले लो, ये ए बार हो गया, यहां से वायर ये ऊपर से है, ये ए बार हो गया और यहां से आपका हो गया सी,
ये सी है हमारा, तो ये हो गया ए बार सी। ठीक है, इतनी चीज समझो कि ए यहां पे हमने एक नोट गेट जोड़ दिया, ए बार हो गया, यहां पर जो आउटपुट आया ए बार, यहां से मैंने एक एंड गेट जोड़ दिया, ए बार आ गया, ए बार के बाद में एंड गेट इसका गुणा करवा देगा, यहां से हमने इसको बी दे दिया तो ए बार बी हमारा आउटपुट हो गया। फिर हमें बी सी चाहिए था तो एक एंड गेट जोड़ दिया, बी यहां से सीधा डायरेक्ट दे दिया और सी दे दिया, यहां से बी सी हो गया। फिर हमें ए बार सी चाहिए था तो ए बार यहां से ले लिया मैंने और सी मैंने इसको सीधा डायरेक्ट दे दिया, ए बार बी बी सी और ए बार सी जो है वो हमारे पास में आ गए। अब क्या करवाना है आपको, इन सब का जोड़ करवाना है। जोड़ करवाने का काम आपका कौन सा गेट करेगा, और गेट करेगा। तो सबसे लास्ट में आप क्या जोड़ दोगे, एक और गेट जोड़ दो यहां पर, ये लो, ये हमारा क्या बन गया, ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, ये आपके सामने क्या आ गई बोरो के लिए आउटपुट आ गया, किस प्रकार जो है वो आप इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो बना सकते हो। तो ये थे हमारे हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, जिनके विषय में आज हमने अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं वो भी करवा दिए जाएंगे जल्द से जल्द, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस था वो काफी ज्यादा पीछे चल रहा था पहले हमारा, तो उसको अब हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर ही रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जो भी थोड़े बहुत बचे हुए चैप्टर हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। तो ये हमारा हो गया आज का चैप्टर कंप्लीट, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।